जिले की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने थानों व चौकियों की व्यवस्था में फेरबदल किया है। पुलिस अधीक्षक ने 11 उपनिरीक्षकों की तैनाती में फेरबदल कर उन्हें नए स्थानों में तैनाती प्रदान की है। नई तैनाती के तहत सुरभि राणा अब झिरोली की थानाध्यक्ष होंगी, जबकि निधि शर्मा कौशानी तो महेंद्र प्रसाद को कांडा थानाध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया है। झिरोली के थानाध्यक्ष रहे मदन लाल को यातायात निरीक्षक का जिम्मा सौंपा गया है। कांडा के थानाध्यक्ष प्रहलाद सिंह को बागेश्वर कोतवाली में तैनाती दी गई है। दीपक बिष्ट चौकी प्रभारी रीमा की जिम्मेदारी निभाएंगे। उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह नेगी, गोविंद बल्लभ भट्ट, लोकेश रावत, अविनाश मौर्य तथा वंदना चौहान को भी नए स्थानों में तैनाती प्रदान की गई है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वो क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें तथा बागेश्वर को नशा मुक्त करने में सहयोग करें। बागेश्वर में 3 थाना के थानाध्यक्षों को बदला गया है और ये रूटीन के ट्रांसफर हैं। इन 3 थानों में 2 थाने महिला अधिकारियों को दिए गए हैं। उनकी कार्यशैली और उनकी क्षमता को आंक के उन्हें थानाध्यक्ष बनाया गया है। इस समय कुछ त्यौहार की वजह से और शादियों की वजह से कुछ ट्रैफिक में प्रॉब्लम आई है। 2 चौराहों को हमने आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर कि ट्रैफिक लाइट लगाने का प्रपोजल भेजा जा रहा है और कुछ पुलिस फोर्स की भी संख्या हमने बढ़ाई है उन क्षेत्रों में, उन जगहों पर जहां से कि ट्रैफिक के प्रॉब्लम हमें पता चल रही है। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।